अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इंग्लिश वोकैबुलरी विद ट्रिक्स का ये पार्ट 12 है। तो ये सीरीज जो है, इसमें हम सीख रहे हैं कि कैसे हम इंग्लिश वोकैबुलरी के लेंथी और कॉम्प्लेक्स वर्ड जो कि हमारे पास कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उसका जो इंग्लिश का पोर्शन होता है उसको पास करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो कैसे हम इन मुश्किल और लंबे और कॉम्प्लेक्स जो वर्ड्स हैं उनको ट्रिक्स की मदद से याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये उसी सीरीज का पार्ट 12 है। अगर अभी तक आपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं पार्ट 11 तक वीडियोस वॉच नहीं की तो आप मेरे यूट्यूब चैनल रहमानामद मेंटोर पर जाकर वो वीडियोस वॉच कर सकते हैं। मैं उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इजीली वीडियोस को जाके वॉच कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास वो है डेमोग्राफर। तो डेमोग्राफर का मतलब हमारे पास होता है कोई ऐसा बंदा जो कि मर्दमशुमारी करता है या इंसानी आबादी के आदाद शुमार का हिसाब रखने वाला जो बंदा है उसको बोला जाता है डेमोग्राफर। ठीक है, इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग देखें तो ये हमारे पास अ पर्सन हु स्टडीज चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ्स। तो जो इंसान इंसानी आबादी या होने वाली नई पैदाइशों का जो हिसाब किताब रखता है उस बंदे को बोला जाता है डेमोग्राफर। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक है डेमो प्लस ग्राफ। ठीक है, तो ये वर्ड मैंने यहाँ से लिया है, ये मैंने निकाल लिया यहाँ से डेमो, और यहाँ से फिर ग्राफर से मैंने क्या ले लिया, ग्राफ ले लिया। ठीक है, डेमो का मतलब आपको पता है कि किसी को डेमो देना, प्रेजेंटेशन देना, और ग्राफ का मतलब आपको पता है कि जिस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ ग्राफ वगैरह बने हुए होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ स्टेटिस्टिक्स को शो करने के लिए या मुख्तलिफ अदादोशुमार को शो करने के लिए हमारे पास ग्राफ का इस्तेमाल होता है। तो इस चीज़ को मजीद समझने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास सेंटेंस है अली सेड मैं अभी आबादी वाले ग्राफ का डेमो देता हूँ। तो अली जो कि कोई डेमोग्राफर है उसने कहा कहा है कि मैं अभी आबादी वाला जो ग्राफ है उसके आपके सामने प्रेजेंटेशन देता हूँ, उसका डेमो जो है वो अभी आपके सामने पेश करता हूँ। तो वर्ड हमारे पास क्या है, डेमोग्राफर। डेमोग्राफर का मतलब हमारे पास क्या होता है, इंसानी आबादी का आदादोशुमार का हिसाब रखने वाला बंदा। और इसके लिए जो ट्रिक है वो मैंने आपको बता दी है, डेमो प्लस ग्राफ के। यहाँ पे हमारे पास अली जो है वो क्या है, वो कोई डेमोग्राफर है और वो क्या देगा, हमारे पास कोई इंसानी आबादी का जो ग्राफ है उसका डेमो जो है वो अभी अभी पेश करने जा रहा है। तो उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा। वर्ड है हमारे पास डेमोग्राफर और इसका हमारे पास मतलब होता है इंसानी आबादी के आदादोशुमार का हिसाब रखने वाला बंदा। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिनाउंस। तो डिनाउंस का मतलब हमारे पास होता है तनकीद करना या मजम्मत करना। ठीक है, तो किसी को क्रिटिसाइज करना जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिनाउंस कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका इंग्लिश में मीनिंग देख लें, टू क्रिटिसाइज स्ट्रांगली। तो अगर किसी को क्रिटिसाइज किया जाए, किसी पर तनकीद गाली की जाए स्ट्रांगली बहुत ज़बरदस्त तरीके से, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, डिनाउंस बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रिक देख लें, डी अनाउंस। ठीक है, तो यहाँ पे अनाउंस का मतलब हमारे पास क्या होता है, ऐलान करना या किसी की चीज़ के बारे में बातचीत करना। तो यहाँ पे ये ट्रिक देख लें मैंने कहाँ से लिया है, यहाँ से मैंने ले लिया डी और नाउन से मैंने निकाल लिया है अनाउंस। ठीक है, और यहाँ पे इसका सेंटेंस देखते हैं ताकि बात जो है वो हमारे जहन में बैठ सके। तो हमारे पास सेंटेंस है, अनाउंसिंग समथिंग टू क्रिटिसाइज स्ट्रांगली। तो आप क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ भी अनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी आप अनाउंस कर रहे हैं जिसमें आप क्या करेंगे, किसी चीज़ के बारे में क्रिटिसाइज करेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो वर्ड हमारे पास क्या है, डी अनाउंस, और डी अनाउंस के लिए हमारे पास जो ट्रिक है वो है डी अनाउंस। तो आप कुछ अनाउंस करेंगे, आप किसी चीज़ का ऐलान करेंगे जिसमें आप क्या करेंगे, किसी बंदे के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको क्रिटिसाइज करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा। वर्ड है हमारे पास डिनाउंस और इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, तनकीद करना। तो चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है डेप्लोरेबल। ठीक है, डेप्लोरेबल का मतलब हमारे पास होता है बुरा, अफसोसनाक। ठीक है, और इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग देखें तो ये हमारे पास वेरी बैड। और हमारे पास कोई भी चीज़ अगर बहुत बुरी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेप्लोरेबल। ठीक है, और इसका ट्रिक हमारे पास देख लें, डीप लो एबल। ठीक है, तो डीप हमारे पास वो कहते हैं गहरे को। ठीक है, लो हमारे पास कोई निचली जगह को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ट्रिक हमारे पास देख लें मैंने कहाँ से लिया है, यहाँ से डीई से मैंने ले लिया है डीप, डीईपी से मैंने ले लिया है डीप। ठीक है, एलओ से मैंने ले लिया है लो, और यहाँ से मैंने लफ्ज़ ले लिया है एबल। ठीक है, और हमारे पास ट्रिक आ गया है डीप लो एबल। तो इसका जरा सेंटेंस देखते हैं हम, ये आदमी इतना इतना बुरा है कि इसको जहन्नम से भी बुरी जगह मिलनी चाहिए। तो हम किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो इतना बुरा इंसान है कि उसको जहन्नम से भी बुरी जगह मिलनी चाहिए। मतलब हमारे यहाँ पे जहन्नम जो है वो हम जानते हैं कि बहुत एक बुरा ठिकाना है, बुरी चीज़ है। तो वो कोई इतना बुरा आदमी है कि उसको जहन्नम से भी बुरी चीज़ मिलनी चाहिए। तो हमारा वर्ड क्या है, वर्ड है हमारे पास डेप्लोरेबल,
और इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, बुरा या अफसोसनाक। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रीक था डीप लो एबल, तो कोई बंदा है जो कि बहुत बुरा, और हम कह रहे हैं कि उसको तो जहन्नम से भी बुरी जगह मिलनी चाहिए। और यही हमारा वर्ड है डेप्लोरेबल। डेप्लोरेबल तो मतलब हमारे पास होता है बुरा या अफसोसनाक। ठीक है, तो उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा। डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल का मतलब हमारे पास क्या होता है, बुरा या अफसोसनाक। तो चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब हमारे पास होता है शहादत देना या गवाही देना। ठीक है, और इंग्लिश में इसका हमारे पास जो मीनिंग है वो है अटेस्टिमनी। ठीक है, अटेस्टिमनी भी कहते हैं शहादत देना या किसी चीज़ की गवाही देना। और यहाँ पे जो ट्रिक है हमारे पास याद रखने के लिए वो है दी पोजीशन। ठीक है, और ये मैंने कहाँ से लिया है, ये मैंने लिया है डी ई को मैंने दी बना दिया, और यहाँ से हमने वर्ड ले लिया है पोजीशन। ठीक है, पोजीशन होता है किसी चीज़ के बारे में स्टैंड लेना या किसी की साइड लेना। अब ये सेंटेंस देखते हैं। व्हेन यू टेक अ पोजीशन इन फेवर ऑफ समवन इन अ कोर्ट यू हैव टू गिव अ डिपोजिशन। तो जब आप किसी बंदे की फेवर में पोजीशन लेते हैं कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, उसके इंसान के हक में जाके गवाही देनी पड़ती है। ठीक है, तो जब आप किसी के हक में कोई पोजीशन लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके हक में गवाही देनी पड़ेगी, शहादत देनी पड़ेगी। तो वर्ड है हमारे पास डेपोजिशन। डेपोजिशन का मतलब हमारे पास क्या होता है, शहादत देना या गवाही देना। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास वर्ड है डीरेल। डीरेल का मतलब हमारे पास होता है पटरी से उतरना या भटक जाना या अपने असल रास्ते से हट जाना। तो अगर हम इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें तो ये हमारे पास टू कम ऑफ द रेलवे ट्रैक। तो अगर हमारी रेल जो है वो ट्रैक से उतर जाती है, कम ऑफ उतर जाना, अगर ट्रेन जो है वो अपने ट्रैक से उतर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, डीरेल बोला जाता है। ठीक है, या कोई इंसान जो है अपने मकसद से भटक जाए तो उसको भी डीरेल बोला जाता है। और यहाँ पे हमारे पास जो ट्रिक है वो है डी प्लस रेल। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लें कि डी ई मैंने ले लिया है डी, और यहाँ से अगला वर्ड जो है वो ट्रिक के लिए मैंने निकाल लिया जो है हमारे पास रेल। ठीक है, इसका सेंटेंस देख लें कि द डीरेलमेंट ऑफ अ रेल काज अ डेंजरस एक्सीडेंट। तो अगर रेल जो है वो डी रेल हो जाए, अपने पटरी से उतर जाए, ठीक है, अगर ट्रेन जो है वो यहाँ से डी रेल हो जाए, अपनी पटरी से उतर जाए, तो ये एक बड़े एक्सीडेंट का बायस बन सकती है। तो हमारे पास वर्ड था डी रेल, और डी रेल का मतलब हमारे पास होता है पटरी से उतरना या भटक जाना। और इसका ट्रिक जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डी रेल। ठीक है, डी प्लस रेल। तो उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा। वर्ड है हमारे पास डी रेल। डी रेल का मतलब होता है पटरी से उतरना या भटक जाना। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे डेसिक्रेशन। डेसिक्रेशन का मतलब होता है बेहरमती करना या नापाक करना। ठीक है, तो अगर किसी मुकद्दस चीज़ की हम क्या करते हैं, बेहरमती करते हैं, तो उसको बोला जाएगा डेसिक्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश में इसका मीनिंग देख लें, ट्रीटमेंट ऑफ समथिंग सेक्रेट विद डिसरिस्पेक्ट। तो अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं किसी ऐसी चीज़ की जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पाक है, सेक्रेट है, और उसकी आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो उस चीज़ को क्या बोला जाएगा, डेसिक्रेशन बोला जाएगा। ठीक है, सेक्रेट कहते हैं पाक चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हमारे पास ट्रिक देख लें, याद रखने का ट्रिक है फ्रेंड्स हमारे पास डी प्लस सीक्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रिक हमारे पास कहाँ से आया, डी ई से मैंने ले लिया डी, और यहाँ से सीक्रेट का वर्ड जो है वो मैंने निकाल लिया है। सीक्रेट आपको पता है कि राज को कहते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस देखें, इफ यू टेल मी द सीक्रेट्स ऑफ योर वाइफ यू विल डिसरिस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप। अगर आप मुझे अपनी वाइफ के कुछ सीक्रेट्स जो है वो बता देते हैं, तो आप क्या करेंगे, ये जो एक पाक रिश्ता है उसकी आप क्या करेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप सीक्रेट बताते हैं अपनी वाइफ के मुझे, तो आप क्या कर रहे हैं, ये जो एक रिलेशनशिप है बहुत पाक रिलेशनशिप है मियाँ बीवी वाला, तो आप उसकी क्या करने जा रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट करने जा रहे हैं, बेहरमती करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वर्ड है हमारे पास डेसिक्रेशन। डेसिक्रेशन का मतलब हमारे पास क्या होता है, बेहरमती करना या नापाक करना। और ट्रिक है हमारे पास द सीक्रेट। तो उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा। वर्ड है डेसिक्रेशन। डेसिक्रेशन का मतलब होता है बेहरमती करना, किसी पाक चीज़ को नापाक कर देना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब हमारे पास होता है बेताब, और दूसरा मतलब हमारे पास होता है मायूस। ठीक है, तो ये दोनों मीनिंग जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं डेस्परेट जो वर्ड है उसके लिए। तो यहाँ पे देख लें कि हमारे पास इंग्लिश में इसका मीनिंग देख लें, फीलिंग इन्वॉल्विंग ग्रेट विलिंगनेस। तो अगर आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए बहुत ज़्यादा चाहत रखते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, डेस्परेट बोला जाएगा। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा बेताब हैं किसी चीज़ में हिस्सा लेने के लिए, तो उसे क्या बोला जाएगा, डेस्परेट बोला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो ट्रिक है वो देख लें, ट्रिक है हमारे पास देश, प्लेस,
रेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ये मैंने ट्रिक कहाँ से लिया है, यहाँ से मैंने ले लिया डी ए से देश, फिर यहाँ पी से पे, और यहाँ से आखिरी वर्ड मैंने निकाल लिया रेट, ठीक है। तो इसका ज़रा इंग्लिश सेंटेंस देखेंगे। ड्यू टू चीप प्राइसेस वी बाय फॉरेन गुड्स। तो चीज़ें जो हैं वो हमारे अपने मुल्क में जो बनती हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं, तो जो फॉरेन में चीज़ें बनती हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं, ठीक है। तो उन सस्ती चीज़ों की वजह से हम क्या करते हैं, वो फॉरेन वाली चीज़ें जो है उनको हम खरीदने की बहुत ज़्यादा खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, बेताब रहते हैं। और ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारी जो मुल्क की इकोनॉमी है उसके लिए मायूसी का साबित हो सकती है। तो दोबारा से देख लें कि जो फॉरेन में हमारे पास चीज़ें बनती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती हैं हमारे मुल्क की नस्बत, तो हम क्या करते हैं उन चीज़ों को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब रहते हैं, और ये एक मायूस कुन सूरत हाल है हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है उसके लिए। तो वर्ड है हमारे पास डेस्परेट। डेस्परेट तो मतलब हमारे पास क्या होता है, बेताब या मायूस, और इसके लिए हमारे पास ट्रिक है देश पे रेट। तो उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा। वर्ड है हमारे पास डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब होता है बेताब, और दूसरा मतलब इसका होता है मायूस। तो चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड जो है फ्रेंड्स वो है हमारे पास डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल का जो मतलब है हमारे पास वो होता है नागवार या नाखुशगवार, ठीक है। इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग देखें तो ये हमारे पास होगा अनप्लीजेंट, काजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। तो अगर कोई चीज़ नाखुशगवार है या कोई ऐसी चीज़ है जिसे आपके अंदर डिसलाइक की फीलिंग्स आ जाती हैं, तो ऐसी चीज़ को क्या बोला जाएगा, डेसिपिकेबल बोला जाएगा, ठीक है। और इसका हमारे पास ट्रिक है डी स्पीक एबल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये ट्रिक हमारे पास कहाँ से आया देख लें। डी से मैंने डी ले लिया, और यहाँ से SPIC से मैंने स्पीक ले लिया, और आखिरी वर्ड जो है मैंने एबल यहाँ से निकाल लिया है। तो डेस्पिकेबल का मतलब हमारे पास क्या होता है, नागवार या नाखुशगवार, या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके अंदर डिसलाइक की जो फीलिंग्स हैं उसको बढ़ा दे। तो इसका सेंटेंस आप देख लें, हेटफुल वर्ड्स दैट आर नॉट वर्थ स्पीकिंग। तो हमारे पास कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको हम बोलना भी पसंद नहीं करते, जो कि इतने नाखुशगवार होते हैं, तो ऐसे अल्फाज जो उनको क्या बोला जाता है, डेसिपिकेबल बोला जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा। वर्ड है हमारे पास डेसिपिकेबल, और इसका मतलब हमारे पास होता है नागवार या नाखुशगवार। और चलते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास डिटेंट। तो डिटेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब हमारे पास होता है कशीदा ताल्लुकात में कमी करना, ठीक है। जैसे दो ममालिक के दरमियान अगर कोई ताल्लुकात हैं ख़राब हैं, तो अगर उनको ठीक किया जाए तो इस चीज़ को क्या बोला जाएगा, डिटेंट बोला जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारे पास इंग्लिश में मीनिंग देख लें कि द ईज़ ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन कंट्रीज़। तो दो मुल्क के दरमियान जो एक तनाव की कैफियत है अगर उसको कम किया जाए, तो इस अमल को क्या बोला जाएगा, डिटेंट। और इसका हमारे पास जो ट्रिक है वो है दी टेंट, ठीक है। तो डी ई से मैंने लफ्ज़ ले लिया है दी, और यहाँ से मैंने टेंट निकाल लिया। टेंट आपको पता है खैमे को कहा जाता है, ठीक है। तो अब ज़रा इसका हम देखते हैं सेंटेंस। इन द टेंट एट LOC पाकिस्तानी एंड इंडियन सोल्जर्स आर ईजिंग टेंशन। तो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर टेंट के अंदर हमारे जो पाकिस्तानी और इंडियन फोर्सेस के जो सोल्जर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो एक दोनों ममालिक के दरमियान टेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसको क्या कर रहे हैं, ईज़ कर रहे हैं, उसको काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लफ्ज़ हमारे पास क्या है, डिटेंट। डिटेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है कि कशीदा ताल्लुकात में कमी करना, और इसके लिए हमारे पास ट्रिक है दी टेंट, ठीक है। तो टेंट के अंदर फौजी जो है इंडियन और पाकिस्तानी वो क्या कर रहे हैं, आपसी जो ताल्लुकात हैं उनको मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा। वर्ड है हमारे पास डिटेंट। डिटेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है, कशीदा ताल्लुकात में कमी करना। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास डिटरेंट। डिटरेंट का मतलब हमारे पास होता है किसी एक्शन की वजह से मायूस हो जाना, ठीक है। किसी के एक्शन की वजह से अगर आपको मायूसी होती है, आप डिस्करेजमेंट का शिकार हो जाते हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, डिटरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश में इसका मीनिंग देख लें, डिस्करेजमेंट फ्रॉम एक्शन। तो किसी के किसी एक्शन की वजह से अगर आप डिस्करेज हो जाते हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, डिटरेंट। और यहाँ पे हमारे पास ट्रिक है दे तेरा रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें ये मैंने कैसे बनाया वर्ड, डी ई से मैंने ले लिया दे, और यहाँ से TER से तेरा, और यहाँ से मैंने लफ्ज़ ले लिया रेंट। तो रेंट हमारे पास किसको कहते हैं, किराए को कहते हैं। तो ज़रा ये सेंटेंस देखें, दे तेरा रेंट, दिस सेंटेंस कैन डिटरेंट यू। तो आपका जो मालूम कहना है वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी से आके आपसे बोल रहा है कि दे तेरा रेंट, के अपना रेंट दो, और ये वाला सेंटेंस जो है वो आप इस वजह से क्या हो सकते हैं, मायूसी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि आपके
पॉकेट के अंदर उसको देने के लिए पैसे मौजूद नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा। वर्ड है हमारे पास डेटरेंट। डेटरेंट का मतलब हमारे पास होता है किसी एक्शन की वजह से मायूसी का शिकार होना। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के वर्ड।